फाइनली कैफे नाइट पहुंच गए हैं हम। कैफे नाइट अब अंदर जाएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, कुछ मज़ा उड़ाएंगे। तो अंदर चलो। फाइनली पहुंच गए हैं कैफे नाइट में। एंट्री मार लिया ब्रो ने। क्या हाल चाल है ब्रो? ऑर्डर कर दे यार। क्या मंगा रहे हो? चाय। तेरी चाय है? हाँ चाय है। चाय मंगवा दे। जड़ी दूसरा मंगवा दो। ये वाली मंगवा। चाय ऑर्डर कर दिया यार ब्रो ने। चाय ऑर्डर किया, इसने भी चाय ऑर्डर किया। अली भाई आपने क्या ऑर्डर किया? कुछ नहीं ऑर्डर किया अली भाई। जहाँ जाके कुछ नहीं खाते, पता नहीं क्या वजह है। ये ऑर्डर हमने दे दिया। जिस जिस भाई ने मिलना है, कैफे नाइट बैठे हुए हम इस टाइम, आके मिल ले ब्रो हंस रहे। ये ब्रो को जिस जिसने मिलना है, जो ब्रो का फ़ैन है, इस टाइम ब्रो कैफे नाइट में मौजूद है। चेंज करवा दिया ब्रो को। वहाँ हवा नहीं लग रही थी तो ब्रो ने कहा यहाँ भी हम बैठेंगे। अली भाई बैठे हैं, यहाँ नूर भी बैठे हैं। ब्रो वहाँ पे आपको गर्मी लग रही थी? कितनी गर्मी लग रही थी? बहुत ज़्यादा लग रही थी। लोड शेडिंग तो ही नहीं है। फ्लैश लाइट यार इसकी ऑन नहीं होती यार, क्योंकि मैंने वीडियो चाय आ गई है ब्रो। आपके लिए कुछ नहीं आया ब्रो? सो सैड यार। चलो कोई नहीं, आप बैठ के देखें, हम चाय का एंजॉय करेंगे, चुस्कियाँ मार लेंगे। बैठा हुआ था तो मैंने वेटर को कहा कि ना तो ब्रो को चाय मंगवा दी है। अब ब्रो ये भी नहीं पी रहा। ब्रो मेरे पैसे जाए ना करिए, पी ले चुप कर गया ये। थैंक यू। ऐश कर यार ऐश, मेरे होते हुए टेंशन नहीं लेना। ख्वाजा साहब आ गए हैं, उस्मान भाई आ गए। उस्मान भाई के लिए हैदर भाई कौन सा पराठा मंगवाया? मूली वाला। उस्मान भाई मूली वाला पराठा मंगवाया। आपकी सेहत यार, वैसे ब्रो आपस की बात है, इसको मूली वाला पराठा इसकी सेहत को इजाज़त देता है कि नहीं देता? रात को तो उसके घर वाले परेशान हो जाएंगे। ब्रो चला गया है अली भाई के साथ बाइक खड़ी करने, तो वो आएगा थोड़ी देर तक। तो उससे पहले हमने अपना मंगवा लिया था पराठा, बैक कैमरे से दिखा मंगवा लिया पराठा। ये चटनी है, ये चटनी है। ब्रो और के आने से पहले हम ये पराठा फिनिश करेंगे और उनके आने तक ये जगह क्लियर हो जाएगी। ऐसे फील करना कि कुछ यहाँ पे पड़ा ही नहीं था, तो पराठा बचा नहीं सके। ब्रो पहुँच गया टाइम पे, ये कम ब्रो के नसीब में था, नसीब नसीब की बात है। तो ब्रो की भी शिरकत हो ही गई पराठे में। पराठा कैसा था हैदर भाई? हैदर भाई पराठा कैसा? किसने खिलाया पराठा? किसी अल्लाह के बंदे ने खिलाया। इधर बैठा है अल्लाह का बंदा वो? ये नहीं पता मुझे, तो ये वाला बंदा लग रहा है। मैंने खिलाया माशाल्लाह। उस्मान भाई जिंदाबाद। उस्मान भी कोई कोल्ड ड्रिंक अगर हो जाए। कैमरा करो। अच्छा करो। अच्छा मैं स्पाइसी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार, एक पराठा तो खिला दे। वो हैदर भाई कह रहे एक ला देते हैं। वेटर ओके। ऑर्डर क्या देने लगे उस्मान भाई? पराठा। परोंठा? पराठा भाई। पराठा ओके। पराठा भी खा लिया है। हेलो,
ब्रो बिल दिखा, ब्रो बिल दिखा। 240 किस किस के? 130 का पराठा। ठीक है, उस्मान भैया खाते में चाय कितने की है? आलू पराठा 120 है, दूध पत्ती 110 की है, 130 नहीं 130 नहीं 120 है। अपना बिल क्लियर कर दिया, अपने पैसे जो हिस्से में डिवाइड होते थे, क्योंकि हम गैदरिंग में होता है अमेरिकन सिस्टम, यू नो अमेरिकन सिस्टम क्या होता है, अमेरिकन सिस्टम ये होता है कि हर बंदे पे उसके पैसे डिवाइड होते हैं, तो हमने अपने अपने पैसे दे दिए उस्मान भाई को, बाकी जो उस्मान भाई जाने उस्मान भाई का बिल जाने और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट जाने, उस्मान भाई को यहाँ रखना है रख लें, बर्तन धुलवाने धुलवाने, पैसे नहीं है उस्मान भाई, मैं दूँ आपको हेल्प कर दूँ, कितने चाहिए, कितने कट हो रहे हैं? 100 रुपये कम हो रहा है यार, चलो तो चंगा है क्या, कम था तो मैंने उस्मान भाई को दे दिए हैं, कितने भी हैं और अब उस्मान भाई लाइक करने और कमेंट्स करने, नई वाली वीडियो आप तक।